आज मैं आपके लिए प्याज और टमाटर की येलो ग्रेवी की रेसिपी लेकर आया हूं। इस एक ग्रेवी से होटलों में, ढाबों में, शादियों में हलवाई अनेकों सब्जी तैयार करते हैं, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आपने भी खा के देखी होगी। इसकी खास बात यह है कि आप इसको बनाकर एक हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। जब भी सब्जी बनानी हो, सब्जी के हिसाब से ग्रेवी लेकर आप झट से सब्जी तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। ऐसी ही और नई नई रेसिपीज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आज की ये रेसिपी। यहाँ पर 20 केजी टमाटर से ग्रेवी बनाई जा रही है। प्याज को मिक्स करने के बाद हमारी ग्रेवी 50 केजी बन जाएगी। इसी ग्रेवी से यहाँ पर छोले बनाए गए हैं, मटर पनीर और सोया चाप की रेसिपी बनाई गई है, जिनकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। उनका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आपने नहीं देखा हो तो। साथ ही हम 1 केजी ग्रेवी के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगी उसकी लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पहले टमाटर को अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। 1 केजी लहसुन लिया गया है, इसकी सभी कलियों को इस तरह से अलग कर देंगे क्योंकि ये पीसने वाले हैं। ये मशीन से पीसते हैं तो इसका छिलका मशीन से बिल्कुल छन जाता है। अगर आप घर पर कम मात्रा में बना रहे हैं तो इनको छील के पीस ले। अब यहाँ पर 20 केजी प्याज लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर येलो टाइप ग्रेवी बनाई जा रही है तो प्याज और टमाटर की मात्रा को बराबर रखा गया है। प्याज को इस तरह से छील लेंगे, बाद में इनको पीसने वाले हैं। अब 2 केजी अदरक ले लिया गया है, इसको भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, बाद में इसको भी पीसने वाले हैं। अब 3 केजी हरी मिर्च ली गई है। हरी मिर्च को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी घटा या बढ़ा सकते हैं। इनको भी इस तरह से डंठल तोड़कर पीसने वाले हैं बाद में। अब पहले टमाटर को बॉयल करने वाले हैं। इसके लिए टमाटर में 500 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसको चलाते हुए पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट होने चाहिए, टमाटर नीचे तली में नहीं लगना चाहिए। इसको चलाते रहें जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता, बाद में इसको पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है। इधर हमारा टमाटर भी उबलना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें 100 ग्राम देगी मिर्च डाल दी है। देगी मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी में। अब इसमें 250 ग्राम मगज डाल दिया है। मगज से ग्रेवी थिक होगी और खाने में भी टेस्टी बनेगी। इसको चलाते रहेंगे इसी तरह से, नीचे टमाटर जलना नहीं चाहिए। अब इसमें इन्होंने 250 ग्राम काजू डाल दिया है। काजू से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी का, बहुत ही शानदार ग्रेवी बनने वाली है। 250 ग्राम इसमें बादाम डाल दिया है। अब इसमें इन्होंने 500 ग्राम नमक डाल दिया है। नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। इसको चलाते हुए इसी तरह से सॉफ्ट करेंगे। अब 5 मिनट पकने के बाद इसमें 25 ग्राम कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसमें 100 ग्राम हल्दी डाल दी है। टमाटर को पकाते समय गैस के आंच को मीडियम रखें, नहीं तो टमाटर नीचे लगकर जल जाएगा, जिससे टेस्ट खराब हो जाएगा ग्रेवी का। अब टमाटर हमारा पक चुका है, इसको पकने में लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। अब इन्होंने जो गरम मसाला लिया था उसको इस तरह से प्लेट पर फैला दिया है। इसके नीचे छोले उबल रहे हैं, ये भाप में ही थोड़े रोस्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो इनको अलग से किसी तवे पे या फ्राई पैन पे रोस्ट कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद इसको मिक्सी से पीस लेंगे बारीक।
अब इन्होंने जो अदरक काट के लिया था 2 केजी, उसको इस तरह से टमाटर में डाल देंगे। ये टमाटर के साथ ही पीसकर तैयार हो जाएंगे। अब पहले प्याज को पीस लेंगे। ज़्यादा मात्रा में प्याज होती है तो इस तरह से इस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप घर पर बनाते हैं तो छोटी मिक्सी का भी पनीर मटर प्रयोग दे कर या सकते मंचूरियन हैं। मटर ना। इनको इस तरह से बारीक पीस लेंगे। प्याज को पहले पीस लेने देते हैं इस तरह से। अब टमाटर को भी इसी तरह से पीस लेंगे। डालते जाएंगे और पीसते जाएंगे। हरी मिर्च को भी पीस के तैयार कर लिया है। इसी तरह से लहसुन को भी पीस लेंगे। अब ग्रेवी को तड़का लगाकर ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले प्याज का इस तरह से पानी निचोड़ लेंगे किसी कपड़े में बांधकर। इसका सारा पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे। हलवाई लोग इसी तरह से प्रयोग में लाते हैं प्याज को। अब 10 केजी रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको गर्म होने देंगे पहले। रिफाइंड तेल गर्म होने के बाद इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो हमने लिया था। अब इसको चलाते हुए अच्छे से गोल्डन कलर का होने तक भूनेंगे। चलाते रहे प्याज को, जलना नहीं चाहिए। एक साथ प्याज को भूनते समय गैस का आंच मीडियम रखे। जितने मीडियम आंच पर आप प्याज को भूनेंगे उतनी ही टेस्टी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। चलाते रहे इसको। अब प्याज को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और प्याज ने भी कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी इसको और भूनना है बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक। इसको भूनने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। इसी तरह से चलाते रहें। अब 5 मिनट और भूनने के बाद इसमें 100 ग्राम जीरा डाल दिया है। जीरे को भी प्याज के साथ ही भूनेंगे। इसको इसी तरह से चलाते हुए भुने। प्याज का कलर डार्क होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको और भुनेंगे कम से कम 10 मिनट और। जितनी अच्छी तरह से हम प्याज को भुनेंगे हमारी ग्रेवी भी उतनी ही बेहतरीन बनेगी। इनको इसी तरह से चलाते हुए भूनते जाएं। अब प्याज अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह का प्याज हमें भूनना है। बिल्कुल अच्छी तरह से एक कलर हो चुका है प्याज का। इसको भूनने में 25 मिनट के करीब लग गए हैं। अब इसमें 500 ग्राम बेसन डाल दिया है। बेसन को प्याज के साथ ही अच्छे से भूनेंगे। बेसन का फायदा ये होता है, कई बार टमाटर जैसे पानी छोड़ देता है, बेसन डालने से पानी नहीं छोड़ेगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ग्रेवी बिल्कुल थिक बनेगी इससे। इसको प्याज के साथ ही इस तरह से भून ले अच्छी तरह से। अब इसमें इन्होंने 50 ग्राम हल्दी पाउडर और डाल दिया है। इसको भी प्याज के साथ भूनेंगे। चलाते रहेंगे। अब इन्होंने 2 केजी हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। हरी मिर्च को आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। चलाते हुए मिर्च को भी प्याज के साथ भून लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस तरह से। अब इसके अंदर 1 केजी लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने लिया था पीसकर। लहसुन को प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। लहसुन का कच्चापन निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको भूनना है। इस तरह से चलाते रहेंगे। इसको चलाते रहें। बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है। इसको भी भूनते समय आप गैस का आंच मीडियम ही रखें। मीडियम आंच पर ही सारा मसाला भूने। इसे बहुत अच्छी तरह से मसाला भूनेगा। मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन रहा है आप देख सकते हैं क्लियरली। बिल्कुल शानदार मसाला भुन रहा है हमारा। अब इसमें 100 ग्राम देगी मिर्च पाउडर डाल देंगे। देगी मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसको चलाते हुए इस तरह से मसाले के साथ ही भुने। चलाते रहें।
अब मसाला अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन मसाला हमारा भुनकर तैयार हुआ है। अब इसमें अपना पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट डाल देंगे इस तरह से, और इसको भी चलाते हुए पकाना है जब तक ग्रेवी ऊपर से तेल नहीं छोड़ देती, तब तक इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। टमाटर को अच्छी तरह से चलाते रहें, तली में नहीं लगना चाहिए टमाटर। टमाटर की ग्रेवी जब ऊपर से तेल छोड़ देगी तब जाके हमारी ग्रेवी तैयार होगी। जब तक ग्रेवी पकती है इसमें डालने के लिए मसालों को ऐड कर लेते हैं। सभी मसालों को स्टव में मिक्स करेंगे। इन्होंने 100 ग्राम गरम मसाला, 100 ग्राम किचन किंग मसाला और 100 ग्राम मीट मसाला लिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हुई है। ग्रेवी ने ऊपर तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं इसको चलाते रहें। इन्होंने इन मसालों का प्रयोग किया है। अब इन्होंने 100 ग्राम अनारदाना और मिक्स कर दिया है। अनारदाना से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी में। अब इन्होंने 100 ग्राम गरम मसाला डाल दिया है। अब 25 ग्राम इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसमें 500 ग्राम धनिया पाउडर और 100 ग्राम चना मसाला और ऐड कर दिया है। अब सभी मसालों में इस तरह से थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें 100 ग्राम गाजर का लच्छा और 100 ग्राम अदरक का लच्छा डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी का, बहुत ही शानदार ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब फाइनली हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी शानदार ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल बेहतरीन कलर आया हुआ है ग्रेवी का, ऊपर से आप देख सकते हैं देगी मिर्च से कितना अच्छा कलर आया है। आप भी इस रेसिपी से एक बार ग्रेवी बनाकर जरूर ट्राई करें। आप इससे मटर पनीर बना सकते हैं, छोले बना सकते हैं, सोया चाप बना सकते हैं, कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं। आपकी ग्रेवी कैसी बनी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और मजेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।